वर्तमान वर्ष की विदाई और नव वर्ष का स्वागत भव्य रूप से करने के लिए लगातार 30वीं बार नॉर्थ विहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी पुष्प प्रदर्शनी आयोजित करने जा रही है। इस बार का यह पुष्प प्रदर्शनी युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। शहर के लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सैकड़ों प्रकार के फूलों की बगिया सजने वाली है। क्या हुआ था और आज के डेट में इस 30 साल में क्या परिवर्तन हुआ समाज में, क्या मतलब कि उत्तरी बिहार उद्यान समिति ने आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स को आ रहा है 476 और 450, इसका आभास हमने 31 साल पहले कर लिया कि जो लोगों का रहने सहने का जो तरीका है, आम जीवन यापन करने का तरीका, ये कहीं ना कहीं प्रदूषण जनता के लिए, आम जनों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। और हम लोगों ने उस समय शुरुआत कर दी थी, सिर्फ 350 पॉट आए थे, 4-5 लोगों ने डॉक्टर रामबाबू खेतान, विनोद मंसारी और एक दो जगह से मिला करके थोड़ा सा कार्यक्रम आरंभ किया था, जुड़ाव बढ़ता चला गया। सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर रामबाबू खेतान, जिन्होंने जोड़ने का काम किया, संगठन तैयार किया, एक संस्था बनाई और जोड़ते चले गए। जैसे जैसे युवा पीढ़ी आती गई, जुड़ती चली गई। बड़े गर्व की बात है, आपने नशा मुक्ति की बात की, हमारी सोसाइटी के लोगों का यह संकल्प है, हम लोग उससे दूर ही रहते हैं। जो प्रकृति का प्रेम करेगा वो नशा की तरफ अग्रसर कभी नहीं। उसने क्रोध को कम किया, हाइपरटेंशन को कम किया। और हम क्या कर रहे हैं आज के दिन, ये पुष्प प्रदर्शनी क्यों है, जन जागरण के लिए, जन उपयोगी है। आप जानिए कि ऑक्सीजन का क्या इम्पोर्टेंस, एक मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम इतने पौधे तो लगाओ जिससे तुम जितना ऑक्सीजन इनहेल करते हो उतना ऑक्सीजन जनरेट करते हो, इतने पौधे तो लगाओ। आप अपने परिवार और आप खुद मिल करके वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, आप पौधे लगा करके उतना ऑक्सीजन बनाइए। इस पुष्प प्रदर्शनी को एक किसी भाई ने पूछा मेरे से कि क्या खास बात है इस पुष्प प्रदर्शनी, मतलब खास बात है 30 वर्षों से लगातार ये जो बीड़ा हमने उठाया है वो आज तक जारी है, यह खास बात है। संस्थाएं टूट जाती हैं, काम बंद हो जाते हैं, उद्देश्य अच्छे होते हैं लेकिन वो काम बिगड़ जाते हैं, हम इस काम को जारी रखें। दूसरी बात, युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए हमारा प्रयास अग्रसर है, हम सतत प्रयत्नशील हैं। इस बार इस प्रदर्शनी को हम एजुकेशनल प्रदर्शनी के रूप में पेश करना चाह रहे हैं। जैसा मैडम ने भी कहा कि हम लोग अवेयरनेस के लिए डिफरेंट टाइप के नेम वगैरह हम लोग पेश करेंगे, हम इस बार लोगों को वर्कशॉप के द्वारा ऑन द स्पॉट लोगों को बताएंगे कि पौधे कैसे लगाएं, पौधों का क्या महत्व है। थोड़ी बहुत जो जानकारियाँ, बेसिक जानकारियाँ हैं, वो हमारे एक्सपर्ट की टीम, हमारे जजेज, हमारे जो पास साइंटिस्ट आ रहे हैं उनके द्वारा हम लोग देने का प्रयास करेंगे। एक अपील भी करना चाह रहे हैं, जश्वर के साथ जो वातावरण तैयार करने की जो परिकल्पना जिसमें हम जी रहे हैं, हम ये लोगों से अपील करते हैं, साल की विदाई और नए साल का शुभागमन आप फूलों की वादियों में करें। और हम ये वातावरण आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की है, बहुत सारे स्टॉल, एक्स्ट्रा स्टॉल लगाने की तैयारियाँ की है। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि पिछले वर्ष 20,000 से ऊपर दर्शक हमारे फ्लावर शो में विजिट किए थे, इस बार हमारा प्रयास, हमारे विज्ञापन और हमारा जो जनसंपर्क अभियान है और आपके माध्यम से, हम उम्मीद करते हैं कि यह संख्या 30,000 से ऊपर जाएगी। पौधों के बारे में बात की जाती है, लगातार जनसंपर्क का प्रयास, हमारा उम्मीद है कि कम से कम 10,000 पौधे इस फ्लावर शो में जरूर आएंगे। जो ऐसे ऐसे पौधे आ रहे हैं फ्लावर शो में जिसके कारण हमारे फ्लावर शो को राष्ट्रीय दर्जा मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई अंतर नहीं है, पूरे बिहार की श्रेष्ठ प्रदर्शनी है, श्रेष्ठ सबसे अच्छी प्रदर्शनी है। अभी बतलाई गई है कि हम लोग इस बार जो है एक नई थीम के साथ आ रहे हैं कि कैसे, हाउ टू अवेयर द पब्लिक, पब्लिक के बीच में हम लोग कैसे जाएं, जो लोग पौधे नहीं लगाते हैं कम से कम हम लोग उनको जानकारी में दें कि कैसे पौधे लगाएं, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन। अभी हम लोग देखे थे 2 साल पहले वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक से हम लोग जूझे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से कैजुअलिटीज हुई है। वो ऑक्सीजन का मेन सोर्स हमारा प्लांट है,
अगर ये प्लांट के सहारे अगर हम लोग चलते हैं, जो अभी बतलाया इन्होंने कि जितना इनहेल करते हैं कम से कम उतने प्लांट को हम लोग जनरेट कर लें, उतने ऑक्सीजन को हम लोग जनरेट कर लें, तो ये हमारा मेन इस बार मोटो है कि हाउ टू अवेयर द जनरल पब्लिक टू इम्प्लांट एटलीस्ट 10 प्लांट्स इन द होम। ये हम लोग को करना है और सभी को आप लोग के माध्यम से, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, आप लोग के माध्यम से मेरा ये निवेदन भी है और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप अच्छे से अच्छे मैसेज में डालें, अपने शब्दों को सुनहरे अक्षर में डालें कि लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए कि घर में कम से कम 10 पौधों को जरूर लगाएं। सर, अगर कोई लोग वहाँ से पौधा खरीदना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया? हम लोग की सोसाइटी की तरफ से हम लोग बहुत नॉमिनल रेट पर, बहुत ही नॉमिनल रेट पर पौधे हम लोग देते हैं। कुछ नॉमिनल रेट इस कारण से रखते हैं कि लोगों को यह न लगे कि ये हम लोगों को फ्री में मिल रहा है, फ्री का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होता है। तो बहुत नॉमिनल रेट अगर आप भी आके देखेंगे तो लगेगा कि इसका रेट वो नहीं है, लेकिन हम लोग सोसाइटी की तरफ से स्टॉल लगाते हैं और जो भी पब्लिक उसमें लेना चाहती है उसको देते हैं। मुकेश खेतान, ट्रेजरर, नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी।